कर्णाटक रे विशाल जनसमावेश को संबोधन कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाल मंचरु कांग्रेस को सीधा सड़ख टार्गेट कले कहिले कांग्रेस देशर हितठू बहु दूर को चली जाइछि परिवार हितरे निजको सीमित रखिछि कांग्रेस जेउतिपाई राज्यर विकास से देखि पारुनी बोली कहि बर्षिछन्ति प्रधानमंत्री कहा इशारा रे एपरि करुछ बोली मध्य प्रश्न करिछन्ति। एहा सह ईवीएम प्रसंग उठाई मध्य गणतंत्र विरोध रे कांग्रेस षड्यंत्र करितबा कहिछन्ति पीएम। कांग्रेस देश हित से इतना दूर हो चुकी है, परिवार हित में इतनी उलझ गई है कि उसे देश की उपलब्धियां अच्छी नहीं लगती है। किसके इशारे पर कर रही है? कांग्रेस के नेताओं ने ईवीएम पर तो झूठ बोला है और देश का हर नागरिक कहता है, कितने महत्वपूर्ण विषय पर झूठ बोल करके आपने देश के लोकतंत्र को बर्बाद करने का षड्यंत्र किया है, आपको देश की माफी मांगनी चाहिए। ये कांग्रेस वाले मानसिक रूप से अंग्रेजों की गुलामी में ही जी रहे थे, वो इससे बाहर ही नहीं आ पा रहे थे। वो तिरंगा झंडा फहरा करके तो आजादी की बात करते थे, लेकिन हर कानून व्यवस्था में मन से अंग्रेजी की गुलामी को जी रहे थे। बेंगलुरु के कैफे में बम धमाका हुआ तब भी कांग्रेस ने शुरुआत में इसे लेकर गंभीरता ही नहीं, यहां तक कह दिया ये तो गैस का सिलेंडर फटा था। देश की जनता के आंख में क्यों धूल झोंक रहे हो कांग्रेस के लोग? अगर तुमसे नहीं बनता है तो छोड़कर के घर चले जाओ। ऐसे पीएफआई आतंकी संगठन का चुनाव में मदद करने के लिए, उनकी मदद लेने के लिए, वायनाड में एक सीट जीतने के लिए आप उसको सरेंडर कर रहे हो, उनके कारनामों का बचाव कर रहे हो। लेकिन भाजपा सरकार ने देश और समाज विरोधी पीएफआई को बंद किया है, उससे बड़े बड़े खैरखा जेलों में सड़ रहे हैं भाइयों। जदि आपंको आम भिडियो भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।